हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट टू हिंदी ऑनर्स पेपर फोर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पेपर थर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पेपर थर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज के वीडियो में पेपर फोर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गीत फरोश शीर्षक कविता की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन 2019-21 में पूछा गया था, तो इसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद समाज के प्रति शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी 19-21 में पूछा गया था। प्रेत का बयान शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता की समीक्षा कीजिए। 19-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी कविता का कथ्य निरूपित करें। 19-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको रेखा या मनोरमा के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, तो मार्केट से आप किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर ले लीजिए, उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और इस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन को गेस्ट पेपर में खोज के आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। कैसी विचित्र है ज़िंदगी शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। 19-21 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कलगी बाजरे की शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इतिहास सेतु शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। 19-21 का क्वेश्चन है। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पिछले साल का क्वेश्चन अल्टरनेट करके रिपीट कर देता है, जो क्वेश्चन 19 में वही क्वेश्चन 21 में, और यही क्वेश्चन सब 2023 के एग्जाम में रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन सबको बढ़िया से तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणियाँ लिखें। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ऑप्शन में 6 रहेगा, जिसमें से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप जवाब जो है आपको देना रहेगा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। पहला, समकालीन कविता के बारे में बढ़िया से तैयारी कीजिए। अज्ञेय का सत्यान्वेषण, भवानी प्रसाद मिश्र की विचारधारा, लक्ष्मीकांत वर्मा की कविता में व्यंग, इस 4 के बारे में आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करें। नया सप्तक, समकालीन काव्य संग्रह, ये दोनों के बारे में आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में जाके इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन को गेस्ट पेपर में खोज के आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।